शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हमारे स्पिरिचुअल गुरु आचार्य सुनील सोनी जी ये बताएंगे कि 8 नंबर जो है वो अशुभ है या सिर्फ ये मिथ है, क्योंकि ऊपर वाले ने सारे नंबर बनाए हैं 1 से लेकर 0 तक, सारे नंबर्स चाहे जितने भी नंबर हो। तो 8 के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शनि का नंबर है, हमें कष्ट देगा, ये रूम हमें फलेगा नहीं, ये सच है या मिथ है, ये हमारे आचार्य जी आपको बताएंगे। ये मैंने अभी जैसे बताया कि आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करिए या न्यूमरोलॉजी को फॉलो करिए। नंबर्स जो है वो एक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के ही बेस चलते हैं। जैसे 1 से 9 नंबर अगर बात करें तो 9 नंबर के साथ अपने ग्रह जुड़े हुए हैं। तो जब भी ग्रह या नंबर की बात करें तो ये हमारा एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को कनेक्ट करता है। अगर 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर जैसे शनि का नंबर है, शनि से लोग डरते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ये गलत नंबर है। गलत नंबर है ही नहीं, एक्चुअली ये 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है, वो आपको आपके किए का सही तरीके से और सही फल देगा। अगर कोई जजमेंट देता है अपने को, हम कोर्ट में जाते हैं, हमें जज जजमेंट देता है, तो ये हमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए। तो हमें डरने की जरूरत क्या है? जो हमने गलत किया है तो हमें गलत फल मिलेगा, सही किया है तो सही फल मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली या तो आप न्यूमरोलॉजिकली शनि से या 8 नंबर से डरने की जरूरत नहीं है, और इसको फॉलो करिए आप अपने हिसाब से। अगर समझो मैं आपको ये बता दूं कि आपको जैसे आपकी बर्थ डेट है 8 नंबर है या 17 नंबर है, जिसका टोटल मारेंगे तो 7+1=8 हो जाता है, 26 नंबर है 6+2=8 हो जाता है। तो 8 नंबर अगर है और आपको 8 नंबर का ये आपके लिए लकी नंबर बन गया, तो जब 8 नंबर लकी बन गया तो फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। अब 8 नंबर जिसका शत्रु बनता है, मतलब शनि का शत्रु कौन है? तो सूर्य उसका शत्रु है। ओके, तो सूर्य उसका जब भी शत्रु है तो सूर्य का नंबर कौन सा है? तो सूर्य का नंबर है 1 नंबर है। तो जो भी 1 नंबर पे 10 नंबर पे अगर उसका जो जन्म हुआ है या 19 नंबर पे 19 डेट पे जन्म हुआ है, उन लोगों का सूर्य नंबर है। तो उनको 8 नंबर का घर फ्लैट या 8 नंबर की गाड़ी या 8 नंबर के रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसका शत्रु बन जाता है। तो आपका भाग्यांक जो है या आपका जो मूलांक है वो अगर 8 नंबर है तो आपके लिए वो लकी हो गया। और अगर मूलांक 4 है तो? 4 है तो राहु का हो गया। तो शनि और राहु, अभी जैसे राहु का नंबर है आपका 4 नंबर है, तो आपको वो अच्छा फल भी देगा और बुरा फल भी देगा। राहु का कैरेक्टर क्या है? राहु का जो कैरेक्टर है, आपको मैं बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर राहु को खराब माना जाता है, कि आपका जो भी होता है पतंग होता है या आपको कोई नुकसान होता है तो राहु के द्वारा मिलता है, लेकिन वो बहुत सारी अलग गणना होती है वहां पे। बट न्यूमरोलॉजी के अंदर जो 4 नंबर है वो राहु का है, वो राहु का डिसिप्लिन सिखाता है। ये न्यूमरोलॉजिकली अगर 4 नंबर जाए तो डिसिप्लिन सिखाए। अगर मैं बोलूं कि किसी के घर में आप चले गए और वहां पे अस्त व्यस्त वस्तु पड़ी है, तो आप सीधा बोल सकते हैं उसका राहु खराब होगा, क्योंकि अस्त व्यस्त रास्ता जो है कचरा है, डस्टबिन पड़ा है, कुछ भी बाहर निकला हुआ पड़ा है, तो ये हो गया उसका राहु खराब है, हम इस तुरंत बोल सकते हैं। बट उसी चीज को वो अगर ठीक कर देता है तो उसका खराब राहु भी सही हो गया। तो इस तरह से हम न्यूमरोलॉजी को भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। So, ये अलग अलग तरीका है जिसको हम कर सकते हैं। बट अभी आपको 8 नंबर है तो 8 नंबर आपके लिए क्या है वो पहले आप चेक करवा लीजिए। आपके लिए अगर आपका मूलांक आपका लकी नंबर है तो आपके लिए वो फायदा ही करेगा। तो चलिए, आपको 8 नंबर के बारे में बताया, और आपको कौन कौन से नंबर अवॉइड करने चाहिए, कौन कौन से नंबर वाले को मित्र बनाना चाहिए, ये फिर कभी किसी अगले वीडियो में ये आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।